एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज आप सबके साथ मैं एक अलग तरह का वीडियो लेकर आई हूँ। पहली बात तो ये स्पॉन्सर नहीं है, खुद से बाय करा हुआ है। लेकिन अगर ये ठीक ठीक बन गया छोटा तो मैं इसे ब्लॉग के साथ ही ऐड कर दूंगी, अगर थोड़ा लेंथी हुआ तो फिर मैं अलग से करूंगी। इसलिए पहले आपका मैंने वेलकम कर दिया है। तो मैंने कुछ किचन के लिए कुछ आइटम्स आप बोल सकते हो परचेज करे थे, जो एक एक करके मैंने, मतलब ऑर्डर तो एक साथ करे थे लेकिन एक एक करके मुझे वो रिसीव हुए। तो मैं सबका वेट कर रही थी कि आ जाए। और बहुत ज्यादा ऐसे कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा सामान है, थोड़ा बहुत सामान है जो कि किचन में मुझे था कि किचन में जरूरत थी, मतलब इनकी, तो वो मैंने परचेज करा था। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये कल परसों मतलब सारे के सारे आ गए थे। अब मैं तो चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और सबसे पहले मैं आपके साथ ये वाला शेयर, इन सबको पहले मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस जो जरूरत थी वो मैंने ऑर्डर कर रखे तो वो अभी आ गए हैं। और मेरे को तो मैं ब्लॉग में ही ऐड कर दूंगी, तो देखते हैं कितना बनता है, नहीं तो फिर ब्लॉग में ही ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा अलग इससे रहता है कि आराम से देखने को मिल जाता है ना, ये हो जाता है अलग से। तो पहला मैंने जो ऑर्डर करा था किचन के लिए, ये रैक थी स्टील की। तो जो साइड में आपने मेरा देखा होगा जहाँ पे एक मनी प्लांट का जो पॉट रखा हुआ है ना, उधर की साइड मैं इसको सोची थी लगाने की, क्योंकि वहां पर जैसे कुछ भी शुगर टी कुछ भी रखने के लिए, ऑयल बॉटल्स वगैरह रखने के लिए बहुत अच्छा है। और बहुत बड़ा नहीं है ये और बहुत छोटा भी नहीं है, मतलब मीडियम साइज है इसका। वहां के लिए मतलब हमारे किचन की जो काउंटर टॉप है ना, वहां के लिए परफेक्ट है। तो ये वाला मैंने ऑर्डर करा था। और इसमें से मैंने ज्यादातर मीशो से ही ऑर्डर करे हैं, और एक शायद मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा है। ये फ्लिपकार्ट से ही आया है, तो ये सिर्फ मैंने फ्लिपकार्ट से करा था, क्योंकि थोड़ा सा ना हम लोग वो भी करते हैं, देखते हैं कि बोलते हैं ना कंपेयर करना प्राइस, तो उसके अकॉर्डिंग मीशो में काफी अच्छे प्राइस मिल रहे थे, तो मैंने ज्यादा मीशो से परचेज करा है। तो फर्स्ट ये रैक है स्टील की, अच्छा है इसका, वो हैवी है, बस ज्यादा बड़ा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज है। तो फर्स्ट मैंने ये परचेज करा था, और जब मैं इनको अपने किचन में लगाऊंगी ना, तो उसका वीडियो जो है अलग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। जब रीऑर्गेनाइज करूंगी ना तब। और उसके बाद मैंने ये मंगाया है, ये मीशो से मंगाया है मैंने। और एक मिनट पहले मैं आराम से निकालती हूँ ये ग्लास के ना। तो सेकंड मैंने ये ऑर्डर करा था मीशो से, ये है ऑयल डिस्पेंसर जो होता है ना, ऑयल का कंटेनर भी बोलेंगे इसको, तो वो मैंने मंगाया था। और ये 500 ml के हैं, इससे बड़ा मैंने इसलिए मंगाया, वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े लगते हैं ना, इस वजह से मैंने मंगाया नहीं। ये 500 ml का मुझे ठीक लगा था, मतलब ये बॉटल है तो ये भी काफी अच्छा। और जितना भी मैंने जो भी लिया है ना, मतलब जितना तो नहीं बोलूंगी, जो भी थोड़ा बहुत मैंने लिया है, उनके प्राइस बहुत रिजनेबल प्राइस है, तो अफोर्डेबल है मतलब। तो इसके साथ ना ऐसा कि ये इसका ही मिला है यहाँ से ऑयल वगैरह ना, तो इस तरीके से है ये। तो मैंने दो इसलिए करा था क्योंकि एक में से मस्टर्ड ऑयल और एक में हमारा जैसे रिफाइंड या राइस प्राइन ऑयल जो भी हम यूज करते हैं ना उसके लिए। तो ये इसका कैप है इस तरीके से, और इसको बस, ये तो खैर बहुत ही कॉमन है हर किसी के पास आजकल ये बॉटल से, क्योंकि देखने में काफी अच्छी लगती है ये। और स्टील का मैंने इसलिए ऑर्डर नहीं करा क्योंकि स्टील में पता नहीं चलता है कि किस बॉटल में क्या कौन सा ऑयल है, इसलिए मैंने ग्लास के ऑर्डर करे। और ये मुझे लेने से काफी अच्छे लगता है ये ऑयल भरने के बाद। और इसके साथ में मुझे चार ये, तो बीच में मैंने वीडियो जो है कट कर दिया था क्योंकि सब्जी वाले जो अंकल है ना वो जा रहे थे आवाज, और सीटी बज रही थी क्योंकि लंच बन रहा है। तो मैंने आपको ये बॉटल्स दिखाती थी दो, ये, और बहुत अच्छी है, मतलब इनके प्राइस भी बहुत रिजनेबल है और साथ में क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो दो बॉटल्स थी, और इनके साथ में सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी है कि चार जो स्पाइस जार होता है ना, ये छोटे छोटे से ये मिले हैं, और बहुत ही क्यूट से, ये भी ग्लास के हैं, और इसको मतलब ना दोनों साइड से ओपन कर सकते हैं, जैसे इसमें कुछ भी नमक हो गया, काली मिर्च होगी, कुछ भी हींग वगैरह कुछ भी रख सकते हैं इस तरीके से इसमें। और एक साइड से स्पून के लिए जगह दी हुई है, तो ये छोटे छोटे से जार मिले मैं इसमें स्पाइस जार, इसके अलावा अपने कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं स्पाइसेस ही रखने, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये चार इसके साथ थे, और एक ये फनल मिला है
ये वाला, ताकि हम ऑयल आराम से इसमें ऑयल जो है ना फिल कर सकें, तो एक ये मिला था। तो बॉटल्स मुझे दो लेनी थी, लेकिन ना इसके साथ ये डील अच्छी लग रही थी कि चार इतने अच्छे स्पाइस जार मिल रहे थे, तो मैंने फिर ये वाला ऑर्डर कर लिया था। तो ये तो रहा, इसको पहले लेकिन मैं अच्छे से रख देती हूँ, ये थोड़ा सा ना इसको पहले मैं रख देती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। मैंने ऑर्डर करा था ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर करा है, चॉपिंग बोर्ड ये वाला। तो ये जिसका जो साइज है ना, बहुत बड़ा साइज नहीं है, छोटा नहीं, ये मीडियम साइज का मैंने ऑर्डर करा था, क्योंकि इतना बड़ा हमें जरूरत नहीं है, हमारी फैमिली के हिसाब से इतना चॉपर मतलब चॉपिंग बोर्ड ठीक था। तो ये ऐसे, ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर करा है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, मतलब मीशो से अभी तक जो भी मैंने ऑर्डर करा है ना, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसे कुछ भी नहीं कि मुझे चेंज करना पड़े या एक्सचेंज करना पड़े, क्वालिटी काफी अच्छी है। और ये ऐसे करके चॉपिंग बोर्ड तो काफी अच्छा लग रहा है। ये मैंने सोनू मतलब जो मेरी सिस्टर है उससे मैंने लिंक लिया था, क्योंकि एक बार उसने मंगवाया था ना, तो जो उसने लिंक दिया था शायद वही वाला मैंने मंगाया है जहां तक मुझे याद है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा वो भी होता रहता है, प्राइस का भी होता रहता है, तो जो जो प्राइस मुझे सही लगे और जो जो चीज मतलब रिव्यूज देखने के बाद जो मुझे अच्छी लगी ना, वो मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो ये चॉपिंग बोर्ड मैंने ऑर्डर करा है। इसके बाद मैंने करा है यहाँ पे, इसके बाद जो भी मतलब वो मीशो से मंगाया मैंने ना, तो यहाँ के बाद मैंने ऑर्डर करे हैं ये जार, मतलब ये 3 का सेट है। यहाँ पे ना वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे मैंने जो ऑर्डर करे हैं ना, ये जार करे हैं मैंने, जार ही बोलेंगे इनको, डब्बे मतलब ना कंटेनर बोलेंगे। तो ये मैंने कॉफी टी और शुगर के 3 सेट में ऑर्डर करे हैं ये है। और इसमें कलर ना एक क्रीम कलर था, एक इसमें सी ग्रीन था, लेकिन ये रैंडमली मतलब आया है, वहां पे लिखा हुआ था कि ये रैंडमली कोई सा भी कलर आपको दे देंगे, तो मेरे पास ये लाइट ब्लू कलर आया है जो बहुत अच्छा लग रहा है, ये कलर भी काफी अच्छा लग रहा है। इसके सारे कलर जो है लाइट थे, 3 कलर। तो ये है टी एंड शुगर, और साथ में है ये कॉफी का, ये भी बहुत रिजनेबल है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर प्राइस इसके कम है तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। ये ना ऐसे प्रेस करना है, यहां से प्रेस करने के बाद ये ओपन होगा, तो जैसे इसको बंद कर दिया, इसको प्रेस करके ये ऐसे ओपन होगा, तो इस तरीके का है, मतलब क्योंकि मुझे ज्यादा कॉस्टली नहीं चाहिए था चाय पत्ती चीनी के लिए डब्बे, ऐसा चाहिए था जो अफोर्डेबल हो और साथ में क्वालिटी भी अच्छी हो, तो ये क्वालिटी भी अच्छी है, अफोर्डेबल भी है। तो अगर इसके लिंक्स मतलब इनमें से किसी का भी लिंक आपको अगर चाहिए होगा तो मैं आपको प्रोवाइड तब कराऊंगी अगर आपको चाहिए हो तो। ये है, और ये कॉफी का है, बहुत क्यूट से लग रहा है ये, तो ये है। और ये बहुत इनका जो वो है ना, कितने ml के होंगे लिखा हुआ नहीं, ये 850 ml का है, मतलब इसमें आधा किलो से थोड़ी ज्यादा चीजें आ जाएंगी, आधा एक किलो से थोड़ा सा कम, आधा किलो से ज्यादा, तो 850 ml के आएंगे जार। आप लोग बताना कैसा लग रहा है, कलर वाइज बहुत अच्छा है, क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी, अभी तो यूज नहीं करा है, मतलब जब तक मैंने देखा है जितना, तो क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है। ये है लास्ट मैंने ऑर्डर करे हैं ये, एक मिनट, लास्ट मैंने ये ऑर्डर करे हैं कंटेनर अपने किचन के लिए, ये वाले बहुत अच्छे हैं ये, मतलब इनमें कुछ ऐसे डिजाइनिंग नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं ये, डिसेंट तो लगते हैं, ऐसे करके ये जार एक मिनट में सेट कर दूं इसको। तो ये जार मैंने लिए हैं, और बिल्कुल बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी, बहुत अच्छी, और ये अनब्रेकेबल है, साथ में मेड इन इंडिया है,
और इस तरह से इसका, और इसकी जो ये कैप है ना, ये इसके कलर काफी अच्छे अच्छे दूसरे भी थे, लेकिन हमने व्हाइट ही पसंद करा, ताकि जो किचन है ना, क्योंकि हमारे किचन का जो वो है, किचन के जो हमारे कैबिनेट्स है ना, वो ब्राउन कलर के हैं, तो उससे क्या होता है अगर ब्राउन लेते या अदर कलर लेते तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए मम्मी ने बोला व्हाइट अच्छा रहेगा, तो फिर व्हाइट ऑर्डर करें। तो इस तरह से 12 पीस है इसमें, और इसका भी अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं दे दूंगी, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है काफी अच्छी लग रही है, इस तरीके से आया है। और इसमें एक एक्स्ट्रा हमें कैप भी मिली है, शायद इसलिए ताकि अगर टूटे, बाई चांस तो अनब्रेकेबल बताया है, लेकिन अगर टूटे तो फिर इसको हम लोग यूज कर सके, इसलिए इसमें आया है, एक एक एक्स्ट्रा भी दिया है इसमें कैप। तो ये ऐसे थोड़ा सा लगाने में, ये देखो इस तरीके से आएंगे ये वाले जार, और ऐसे लग रहा है बिल्कुल ग्लास में लग रहे हैं, लेकिन ये प्लास्टिक है, और प्लास्टिक बहुत अच्छी क्वालिटी का है इसका। तो ये मैंने ऑर्डर करे हैं, ये 12 पीसेज है, और ये बहुत, मतलब ये भी बहुत अच्छे प्राइस में मिले हैं, 12 पीसेज, ये 1 kg के हैं ये वाले। तो बस मैंने अपने किचन के लिए ये ऑर्डर करा है, जो मुझे जरूरत थी, ऐसे एक्स्ट्रा में कभी आप लोग देखते हो मैं देती भी नहीं, जिस चीज की जरूरत होती है वही, तो अभी जो जो मैंने लिया है ना, इन चीजों की जरूरत थी किचन में, तो मैंने इसलिए परचेज कर लिए। और इसमें दो में तो मैंने सामान रख भी दिया, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने ये निकाल दिया था, इसमें नमकीन वगैरह भी ऐसी रखी थी, जगह नहीं मिली ना कहाँ रखू, तो मैंने ऐसे रख दिया। और ऊपर से एयर टाइट भी है कंटेनर, अगर आपको कुछ नमकीन रखनी है, बिस्किट वगैरह, तो बिल्कुल भी सिलेंगे नहीं, क्योंकि ये एयर टाइट है। छोटी सी शॉपिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये छोटा बना वीडियो तो ब्लॉग में ऐड कर दूंगी, अदरवाइज इसको आप अलग भी देख लेना, ठीक है। तो चलिए, जो जो सामान आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताना, और जिसके लिंक आपको चाहिए होंगे वो भी मैं दे दूंगी आपको, ठीक है। एक दो चीजें और भी थी, लेकिन वो मैं देख रही हूँ अभी, अगर पसंद आया तो मैं, पसंद आया थोड़ा सा ही होता है, प्राइस अगर ठीक लगा तो मैं वो परचेज तो फिर आपको अभी दिखा दूंगी मैं, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नए वीडियो के साथ मिलूंगी आप सबसे, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और जब इसको मैं सेट करूंगी वो भी आप लोगों से जरूर से शेयर करूंगी वीडियो, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय।